माता जन्म दुख पावेगी पति संगत दगा करेगी पति से दगा करेगी नारी पति संग दगा तिरिया जन्म जन्म दुख होगेगी पति से दगा करेगी एक जन्म में बनोगी कुटिया 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 घर घर के आवेगी पति संग दगा करेगी अपना पति चाहिए निर्धन होवे होवे बलहीना अपना पति चाहिए निर्धन होवे चाहिए होवे बलहीना हंसी खुशी से वक्त गुजारो मोहम्मत करो मदीना हंसी खुशी से आइए ये बात थी माता बहनों की अब आई भाइयों की तरफ क्योंकि ताली एक हाथ सुनाए बजे थे भैया अरे आज कल के नौजवान पर नारी अति प्यारे बड़ी लंबी कमी है ना इसीलिए तो भारत देश बिगड़ गए आज कल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी लेकिन बुद्धि से ना सोचत जाचे की बुद्धि कटारी पर नारी के पीछे तो खुद नारी कौन दिखता
होता है अपमान बाजी आंसू भर भर के रोते परदारी की प्रीति सकी सपन हराई स्त्री से प्रीत लगाना अमित भैया पराई स्त्री से प्रीत लगाना और मान ले भू सके तू सके महीना में भू सके तापना भू सकी आगे कितनी देर आते हैं की आगी कितनी देर तक रहती है बहुत थोड़ी देर तक और यही कंडा या किसी लकड़ी को बुलवा दो तो बहुत देर तक चलेगा पराई स्त्री से प्रीत लगाना अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरे की स्त्री से प्रीत लगाना मान ले दूसरे दूसरे महीना में दूसरे आइए पर नारी की प्रीति भूत की सपनी चाहे धरो पले जो चीरी होते नहीं अपने ए जय सुई रंग तुझ अम्मा की चादरी जय सुई रंग पराई स्त्री रंग ज्यादा देर को ना ये थोड़ी देर को ही है दूसरे की स्त्री का जय श्री रंग को सम्मत चादर जय श्री रंग पराई स्त्री को हाल ही तो हसी के बोले और हाल ही करी दे तू बता को दूसरे की स्त्री तो धन की होती है वो कहने पे आ जाते हैं तुम्हें बहुत खुशी कह दी और सही बात है पैसा लेते पराई स्त्री धन की होती है या फिर तुम्हारे रूप की होती है बस दो ही बात है चीजा नहीं है धन या रूप चंचल स्त्री को थोड़ी चीजें दिखाती है इंसान में स्त्री की नजर नहीं आती है तुम्हारे पास दौलत है धन है तो तुमसे प्रेम करेगी यदि तुम्हारे पास धन नहीं है थोड़ा लौट भी है यदि रूप है तो आजकल का जमाना ऐसा मैंने देखा है वो रूप पे भी प्रेम करती है और शायद अपने जीवन रूप कैसा खर्च हो जाए तो कोई तमन्ना नहीं करती है मैंने देखा है ऐसा सुना है मतलब देखा नहीं है सुना है इसका चरित्र साफ है संसार में चरित्र की पूजा है सबसे बड़ा कहना होता है स्त्री का सबसे बड़ा कहना कौन सा होता है न तो स्त्री कपड़ा पहनने से अच्छी लगे सबसे बड़ा कहना स्त्री के पास कौन सा है सुनो ध्यान से न तो स्त्री कपड़ा पहनने से अच्छी लगे न श्रृंगार करने से अच्छी लगे यदि स्त्री के पास लज्जा है तो लज्जा के बराबर हिंदुस्तान में कोई गहना नहीं बना अभी तक लाज के बराबर देखा जाए तो अभी तक कोई गहना बना ही नहीं है कपड़े लगता कहना ये तो इंसान बनाते हैं लेकिन लज्जा भगवान बनाता है और जिसके पास लाज ही नहीं है उसे तो समाज में सम्मान मिलना ही नहीं है आइए भलो
अपने चौका में रोटी है तो आस है ना दूसरे के चौका की रोटी की आस नहीं होती, और जो दूसरे के चौका की रोटी की आस करते हैं उनसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई है ही नहीं। पापी दोनों बातें आती मूर्खता भी ऊपर सर पाप भी। इसलिए मेरा तो एक ही कहना है सभी भाइयों से सुनो, नित नेम करो पत्नी जो कलह रखे निज पत्नी से उनका घर नरक समाना है। जहां पर पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं